हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज पूरा हमारा जो डिस्कशन है वो है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक का सारा करेंट अफेयर्स दिसंबर का। ऑलराइट, तो उसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे, पूरा रिविजन करेंगे। लेकिन उन सब चीजों से सबसे पहले आज है 25 तारीख, तो विश यू ऑल अ मेरी क्रिसमस। क्योंकि देखो, हर एक दिन तो स्पेशल होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हमें हर एक दिन के साथ में नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई तैयारियां करनी होती हैं। बट आज क्रिसमस भी है तो केक शेक भी खा ही लेना। और विश यू अगेन अ वेरी 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 मेरी वाला क्रिसमस, ठीक। बट ये जो सेशन है ये आपका रिकॉर्डिंग मोड में है। मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा मम्मी की तबीयत नहीं सही चल रही है, तो अभी थोड़ा मुझे जाना जरूरी था। इस वजह से दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, तो ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड है आज। नॉट टू वरी, रिकॉर्डेड संडे का तो हो जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाकी जो आपकी चीजें हैं वो आपकी एज इट इज चलेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। दिस इज ओनली फॉर टुडे, ठीक है। मुझे घर जाना जरूरी था, इम्पॉर्टेंट था। आप भी जानते हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं दैट फैमिली नीड्स यू, तो वहां पे आपको सबसे आगे खड़ा होना ही पड़ता है ना। तो बस कुछ चीजों की वजह से आई हैव टू बी देयर, दैट्स अ रीजन। इसीलिए आज ये जो सेशन है ये आपका रिकॉर्डेड मोड पे है, तो बार बार हल्ला मत मचाना कमेंट बॉक्स के अंदर, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, प्लीज डोंट डू दैट। और हम लोग यहाँ पे पूरा 1 से 15 तक का रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे तैयार होंगे। अगर सब तैयार हो तो एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर थम अप कर दीजिएगा। बहुत ही तेजी से अपना रिविजन जो है वो होता हुआ चलेगा, ठीक है। कंप्लीट प्रोग्राम अनअकैडमी पे चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ सवाल, इंडियन नेवी डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इंडियन नेवल डे की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और ये जो ऑपरेशन था ये किसके अगेंस्ट था? पाकिस्तान के अगेंस्ट था। कब की बात है? 1971 की बात है, जिसके बाद में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्या बना? बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। अगर नेम ऑफ द ऐप जिसको लॉन्च किया गया बोर्डिंग सर्विसेज के लिए, अब क्या होगा? अब डिजिटल मोड पे आपकी जो बोर्डिंग है उसको कराया जाएगा। जब भी आप फ्लाइट में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको बार बार अपना आधार कार्ड, अपना जो आपका टिकट होता है, जो सीट नंबर वाला टिकट होता है, वो बार बार आपको दिखाना पड़ता है। बट अब क्या होगा, फेशियल मोड के थ्रू ही यहाँ पे सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी। और इस ऐप का नाम क्या है? डिजी यात्रा। डिजी यात्रा ऐप के द्वारा इसकी शुरुआत होगी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन? इसके अंदर अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अब ये जो स्टैटिस्टिक आता है शब्द, हमेशा याद रखिएगा कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक जो है वो किसको बोला जाता है? वो है पी सी महलनोबिस, जिनका नाम जुड़ा हुआ है 2nd वाले 5-ईयर प्लान के साथ में। अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? राजीव लक्ष्मण जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट, 3rd वाला T20 जो है वर्ल्ड कप ब्लाइंड वाला, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? एक्चुअल में ये करेंट अफेयर्स 1 से 15 तक का है। अभी क्या हुआ, ये ब्लाइंड वाला जो है ये खेला जा रहा था कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। और इसको जीता भी किसने है? इंडिया ने जीता है। लगातार 3 बार इंडिया के द्वारा इसको जीता गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया, कर्नाटका, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह भी हाल में दोबारा से किसने जीती है? तो सौराष्ट्र ने दोबारा से जीती है। और अगर पूछा जाए कि किसको हराया है तो महाराष्ट्र को यहाँ पर हराया गया है। अगला, अग्नि वॉरियर ये क्या है? ये एक बायोलेट्रल एक्सरसाइज है। सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? ये सेशन आज का रिकॉर्डेड है, पहले बता दिया है आपको क्योंकि मुझे घर जाना था, दैट्स अ रीजन। तो प्लीज यहाँ पे चिल्लम चिल्ली मत मचाइए हो, तुम लोग चिल्लम चिल्ली बहुत मचाते हो। हाँ मैं रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डेड। और अपनी मर्जी होगी तो भले ही रिकॉर्डेड क्लास देखे, लेकिन अगर मैंने कर दिया है कुछ रीजन की वजह से तो हाय तवा मचाते हो। अग्नि वॉरियर 12th एडिशन इंडिया और सिंगापुर के बीच में अभी आयोजन इसका किया गया। अगला है, अमारा राजा बैटरी ये जो है ये क्या है भैया? सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या होगा, लिथियम बैटरीज की एक यूनिट जो है उसको डेवलप किया जाएगा।
क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कहाँ का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कहाँ का? तेलंगाना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड 3 डे स्वर धरोहर फेस्टिवल। दिल्ली के अंदर स्वर धरोहर फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल में किया गया। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ऑब्वियस ही बात है, एनवायरमेंट होगा नहीं, हाउसिंग होगा नहीं, एजुकेशन है नहीं, जल शक्ति है नहीं, तो बचा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, आई थिंक 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है उसकी शुरुआत भी की गई है। और ये जो फेस्टिवल है ये भी कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही स्टार्ट किया है। तो ये दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं। अगला, बैंकर बैंक्स ऑफ द अवार्ड, जिसे हम कहते हैं ऑस्कर अवार्ड फॉर द बैंक, ये अवार्ड अभी हाल में किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? कैनरा बैंक को। किसको मिला है? कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर आपको मिलेगा। HDFC का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो ये मुंबई के अंदर आपको मिलता है, और अगर येस बैंक का पूछ लिया गया तो ये भी आपको मुंबई के अंदर ही मिलेगा। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। चलिए, तो ये है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के CEO कौन हो जाएंगे? LB प्रभाकरन जी जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला, ये क्वेश्चन तो बेटा आएगा ही आएगा, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास के लिए चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो ये अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? हंसराज अहीर जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा वाला आर्टिकल नंबर हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर ये तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा। आने वाले समय में जब अमेंडमेंट होगा तो अमेंडमेंट के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक नया आर्टिकल जुड़ेगा, और वो आर्टिकल कौन सा होगा? 338, यहाँ पे आप देख रहे हो ए है, तो वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कब? जब OBC के अंदर सब कैटेगरीज को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया का इसमें से कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जिसको अभी हाल ही में अर्थशूट प्राइस से नवाजा गया है? आप इसका आंसर करो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खेती इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? तेलंगाना के अंदर ये आपको मिलेगा। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड UK के द्वारा स्टार्ट किया गया। लास्ट टाइम भी एक भारतीय को ये अवार्ड दिया गया था, और वो कौन थे? वो थे यहाँ पर टेक्चर के CEO, या फिर आप कह सकते हैं इसके ये फाउंडर थे, जिनका नाम क्या था? विद्युत। नेक्स्ट पे आइएगा, वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर इसकी थीम क्या थी? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, ये इसकी थीम को रखा गया है। अगला, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड, ये अभी हाल ही में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नेम द प्लेस, जगह का नाम बताइए, क्योंकि इसको हेड किसने किया है? पीयूष गोयल जी। कहां पर इसका आयोजन होगा? पीयूष गोयल जी ने इसको हेड किया है। तो ये आयोजन होगा दिल्ली के अंदर, और पीयूष गोयल जी कौन है? कॉमर्स मिनिस्टर हैं। कौन है? कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अगला, गॉबलिन मोड जो कि है आपका सबसे फेवरेट वाला मोड, गॉबलिन मोड, ये शब्द जो है अभी हाल ही में सुर्खियों में था, क्योंकि ये है वर्ल्ड ऑफ द ईयर। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड का ये वर्ल्ड ऑफ द ईयर है, तो ये डिक्शनरी कहाँ की है? तो ये डिक्शनरी कहाँ की होगी? UK की होगी कि US की होगी? एक आपने पढ़ी हुई है फॉरेन डिक्शनरी, है ना, वो USA की है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहाँ की होगी ये बताओ। वैसे मैंने टिक तो लगा ही दिया है, लेकिन फिर भी तुम एक बार इसे बताओ। तो यहाँ पे क्या था? ये था गॉबलिन मोड, दुनियादारी, सारी चीजों के मोह माया को त्याग के आगे बढ़ना। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सेकंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर
जाना जा रहा है। पहले की बात करोगे तो नंबर वन पे तो केरला है, और नंबर टू पे कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। नंबर टू पे कौन है? महाराष्ट्र। जी नहीं, सुनिएगा, नंबर वन पे है वेना, ये कहाँ है? केरला के अंदर। नंबर टू पे जो है वो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि एमपी। कौन सा है? एमपी। तो एक बार से देख लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का डेटा, ये डेटा नीति आयोग जारी करती है। नंबर वन केरला, नंबर टू इज एमपी। महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे टॉप 5 में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चा जो है वो एमपी के साथ में चला जाता है। अगला सवाल बताइए, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम, इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम बताइए। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बताओ? ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बनेगा हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। हैदराबाद को हम वैक्सीन सिटी भी कहते हैं और इसको ट्री सिटी भी कहा जाता है। अगर इंडिया में दूसरी ट्री सिटी पूछी जाएगी तो कौन सी है? दैट इज मुंबई। ये हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे मिलेगा। अगला क्या है? डेथ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर जी, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये कब याद की जाती है? तारीख बताइए फटाक से, डेट। बहुत आसान सवाल है। देखो अगर आपसे पूछा जाता है बर्थडे तो वो तो ये हो गया है ना, लेकिन अगर डेथ पूछी जाती है तो वो हो जाएगी ये 6th of December। और आखिरी में जब इनकी डेथ हुई थी तो इन्होंने कौन से रिलीजन को अपनाया था? तो बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाया गया था। भाई देखो फोकस यहाँ पे रखना, कमेंट बॉक्स पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। एंड अगेन विश यू ऑल मेरी क्रिसमस। मेरे लिए केक बचा के रखना, हम कल आके तुम लोगों से अपना केक मांगेंगे। और अगर किसी ने अकेले अकेले पूरा केक खाया तो पेट तो दुख नहीं है वैसे, है ना? तो अकेले अकेले केक कोई नहीं खाएगा। चलिए अगला, साइक्लोनिक एक्टिविटी जिसका नाम क्या है? मेंडिस। ये अभी हाल ही में सुर्खियों में था। सवाल में कहा जा रहा है कि इसका नाम कौन सी कंट्री के द्वारा रखा गया? तो इसका जो नाम है वो यूएई के द्वारा रखा गया। ये जो है ये एक अरेबिक शब्द है जिसका नाम क्या है? ट्रेजर बॉक्स। क्या है? ट्रेजर बॉक्स इसका नाम है। अगला, 51st पराक्रम दिवस कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? नेम द प्लेस। इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे आपको कौन सी वाली बैटल मिलेगी? बैटल ऑफ लोंगे वाला। टाइम पीरियड क्या है? 1971 का टाइम पीरियड है। अगला, इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि होस्ट करेगी पहली इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ एनएसए? ऑफ एनएसए आंसर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा सेंट्रल एशिया एनएसए है, तो ऑब्वियस बात है दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की पहली मीटिंग थी जो कि सेंट्रल एशिया के साथ में इंडिया के अंदर कंडक्ट की गई। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। अगला, विच कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द 51st मैत्री दिवस? मैत्री दिवस जो है ये किसके साथ में भारत ने सेलिब्रेट किया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 16th of December जो है वो बांग्लादेश का हैप्पी वाला बर्थडे, एक बार और केक खाने का मौका मिला। तो ये जो यहाँ पे इनका बर्थडे है, इस बर्थडे की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के साथ में इन्होंने अपना 51st नंबर का जो है वो सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट पे आइएगा, इनमें से कौन सी तारीख है जब नेशनल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है वो मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7th of December को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्कूल में जब जाते थे ना हम लोग तो 10 रुपए देते थे और यहाँ पे हम लोग को फ्लैग मिला करता था। और ये जो पैसा है ये क्या होता है? फंडिंग के लिए जाता है। और ये 7 तारीख को सेलिब्रेट होता है, दैट इज 7th of December। अगला, 7th एडिशन नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है संगम, ये गोवा के अंदर आयोजित की गई। सवाल, कौन सी कंट्री के साथ में इसका आयोजन किया गया? इसी के साथ में इंडिया और नेपाल के बीच में भी एक्सरसाइज जो कि है सूर्य किरण,
16th एडिशन, और ये नेपाल के अंदर आयोजित की गई। ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? नेम द कंट्री, तो ये हो जाएगी कौन सी वाली कंट्री, यूएसए। कहाँ पे? गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला, कहा जा रहा है कि दिव्यांग जन के लिए अलग से जो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो डिपार्टमेंट कौन से स्टेट ने बनाया है? बताइए कौन से स्टेट ने बनाया है। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर बनेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर बनाया गया, या फिर कौन सा वाला स्टेट जो है वो यहाँ होगा। अगला, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो है डिजिटल डिवाइड के लिए, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 68 थी। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है डिजिटलाइजेशन को लेके, वो भी देखने को मिलता है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सफैम। कौन सी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे? ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा इसका आयोजन जो है वो भी हाल ही में किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट सिलहट एंड सिल्चर फेस्टिवल, पहला जो फेस्टिवल है यह भी हाल ही में सेलिब्रेट की। देखो पूरा का पूरा दिसंबर 16 तारीख तक जितने भी सेलिब्रेशन हुए हैं, सब के सब कहीं ना कहीं इंडिया एंड बांग्लादेश के आसपास ही घूम रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो ये आसाम के अंदर हुआ है। कहाँ? आसाम के अंदर। अगला, नेम टाइम्स मैगजीन 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? सॉरी, प्लेयर ऑफ द ईयर याद आ रहा है, सॉरी सॉरी, पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो कौन बना है टाइम्स के हिसाब से? तो वो हो जाएंगे ज़ेलेंस्की। ये कौन है? प्रेसिडेंट है कहाँ के? यूक्रेन के। नेक्स्ट पे आइए, सार्क डे कब मनाया जाता है, या फिर सार्क का जो चार्टर डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सार्क जो है इसको बनाया गया था कब? इसको बनाया गया था 1985 में, और इसका जो चार्टर साइन होता है वो कहाँ होता है? तो वो ढाका के अंदर साइन किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताओ भाई कि इसका जो चार्टर साइन हुआ था वो कहाँ साइन हुआ था, तो ढाका में, बट हेडक्वार्टर जो है वो आपको काठमांडू के अंदर मिलेगा। इसका डे कब होगा? तो 8 दिसंबर। कब होगा? 8 दिसंबर। अगला, भूपेंद्र पटेल जी को एक बार फिर से कौन से राज्य के अंदर सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया? एक तो देखो हो जाएंगे कौन, सुक्कू जी, वो होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और एक होंगे यहाँ पे भूपेंद्र पटेल जी, जो कि कहाँ आएंगे? राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात के अंदर। अभी ना सरकारें बदल दो, एक और याद करना पड़ जाएगा, गुजरात के अंदर, और इनका सेकेंड टर्म जो है उसको स्टार्ट किया गया है। अगला, अच्छा तारीख भी पूछ सकते हैं, 12 तारीख है, ठीक है, तारीख भी पूछ सकते हैं। तो 12 दिसंबर को इनको शपथ समारोह जो है उसका आयोजन होना था। अगला देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनके द्वारा वाटर हीरोज को लॉन्च किया गया, ये कौन सा वाला एडिशन था? तो यहाँ पर ये कौन सा वाला एडिशन हो जाएगा? 3 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये थर्ड एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण कुमार सिंह, इनको अभी हाल ही में ONGC के अंदर चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। टोटल कितने सालों के लिए ये अपॉइंटमेंट किया गया है? तो यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये कितने सालों के लिए किया गया? देखो जब भी कोई अपॉइंटमेंट होता है, या तो वो 1 साल होगा, या 3 साल होगा, या 5 होगा, ये हमेशा आप देखोगे तो ऑड के हिसाब से ये आपको देखने को मिलता है। चलो बताओ कितना होगा? ये तो बाहर हो गया और ये भी बाहर हो गया। कितने सालों के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया गया है? अगला नाम आया है पेरू की फर्स्ट फीमेल, कौन? प्रेसिडेंट, ये है दीना बॉल्टे। कौन है? दीना बॉल्टे। इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया है पेरू के अंदर। पेरू की कैपिटल क्या हो जाएगी? लाइमा इसकी कैपिटल रहेगी। अगला क्या है यहाँ पे, कार्तिक गई दीपम चैरियट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? बताइए,
तो ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में इनमें से कौन सी प्लेस पे जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर का आयोजन होना है उसका शुभारंभ किया गया है? यूएन के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया है और इसका आयोजन सबसे पहले कहां से शुरू हो रहा है? रोम, इटली। तो इस एक बार फिर से इसी बात पे मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आज तुम लोग के क्या क्या प्लान्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर समय मिला तो जरूर पढ़ेंगे। वैसे उम्मीद कम है समय मिल जाए आज, चलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मॉमी इज नॉट वेल। मॉमी कितने लोग अच्छा मम्मी को मॉमी कहते हैं, हम कभी कभी ऐसे बोल जाते हैं मॉमी, उसके बाद में चार पांच बातें जरूर सुनने को मिलती हैं, वो बात अलग है ना, दैट इज अ एक्सेप्शनल केस। हाँ जी, ट्राइबल अफेयर के द्वारा अभी हाल ही में वन डे मेगा हेल्थ कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था, आर बेटर हेल्थ। सवाल, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन झारखंड के अंदर किया गया। कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट पे आइएगा, टू डे हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव, इसका आयोजन किया गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के उपलक्ष्य में। ये जो दिन है ये 12 दिसंबर को होता है। आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी के अंदर आयोजन किया गया, दैट इज यूपी, दैट इज यूपी। नेक्स्ट पे आइएगा, नाइन्थ वर्ल्ड अयोध्या कहने सॉरी आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 जो है इसको इनोग्रेट किया गया। कौन सी जगह पे इसको इनोग्रेट किया गया? तो ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया। कहाँ पर? गोवा के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया है। अगला, आईएनएस मुर्मू गोवा जो है इसको लॉन्च किया गया। कहा जा रहा है कौन से पोर्ट से लॉन्च किया गया? लॉन्च कब हुआ है? 18 तारीख को इसको लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। और ये सुर्खियों में काफी दिनों से चल रहा था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नवंबर में जब आया था तो नवंबर में ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, ये मुंबई पोर्ट से ही लॉन्च किया गया था नवंबर में भी, और अभी 18 तारीख को जब ये लॉन्च हुआ है तो भी। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट है 15B। अगला, नेशनल मिल्क डे। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए ये किसकी एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेशन किसकी एनिवर्सरी पे होगा? ये होगा वर्गीस कुरियन की एनिवर्सरी पर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? वर्गीस कुरियन, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले पे आएगा, चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे 2023 का किसको अपॉइंट किया गया है इस बार के चीफ गेस्ट के रूप में? तो ये कौन है? सीसी। कहाँ के हैं ये? ये हैं इजिप्ट के। कहाँ के हैं ये? इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि किसको अभी हाल ही में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है निक्षय मिशन के अंदर? ये जो निक्षय मिशन है ये मिशन किससे जुड़ा है? टीबी से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? तो ये अपॉइंटमेंट है दीपा मलिक का। किसका? दीपा मलिक का। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे G20 के शेरपास की मीटिंग 4 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में आयोजित की गई? शेरपास की मीटिंग पूछी गई है तो उदयपुर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए जो फाइनेंस की मीटिंग है वो कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी। और अगर बोला जाता है वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर? मुंबई। ठीक है, और शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी। शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी। अगला, अभी हाल ही में इक्षांत नाम का जो एक वेसल है उसको लॉन्च किया गया है, ये वेसल कहाँ से लॉन्च किया गया? हमारी इंडियन आर्मी के लिए। तो ये कहाँ से आएगा? ये कोची से आएगा। कहाँ से आएगा? कोची से। अगला, इसरो ने अभी हाल में लॉन्च किया था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है ओशन सेट, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? मैंने आपको पढ़ाया था स्वैट के बारे में, SWOT। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आएगा? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? PSLV C54। क्या है? PSLV C54। अगला, ऑस्ट्रा हिंद 2022, ये एक्सरसाइज अभी हाल ही में इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ में आयोजित की गई, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? डेजर्ट एरिया में किया गया। और ये डेजर्ट एरिया कहाँ पे था? राजस्थान के थार वाला जो एरिया था वहां पे इसका आयोजन किया गया। अगला,
इंडिया का पहला स्टेट जहाँ पे हर घर के अंदर वॉइस ऑफ 5G सर्विसेज आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन अभी फिलहाल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको पहुंचाया गया है। ये कौन सा वाला स्टेट हो जाएगा? तो दिस इज गुजरात। और ऐसा किसने किया है? तो जियो के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, जियो के द्वारा। अगला बताएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल में हिमालयन याक जो है इसको फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये लद्दाख में पाए जाएंगे। कहाँ? लद्दाख के अंदर ये पाए जाते हैं। फाइन, नेक्स्ट, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द केवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022? तो ये अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पर किनको? ये, और ये याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये कन्नड़ भाषा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? कन्नड़ भाषा से जुड़ा हुआ है ये अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। कहा जा रहा है कोविड-19 के लिए अभी हाल ही में एक नेजल वैक्सीन जो है जिसको डेवलप किया गया, इनकोवैक, और ये जो वैक्सीन है ये डेवलप किसने की है? तो ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक इंडिया ने इसको डेवलप किया है। मुआना लुआ जो है ये क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है। अभी हाल ही में इसमें ब्लास्ट हुआ था। सवाल, ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका। कहाँ हो जाएगा? हवाई नाम की जो जगह है नॉर्थ अमेरिका में, वहां पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला क्या है? दम्पा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर। अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि मोदी जी की जो विजिट चल रही है वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रही है, तो हर दिन कुछ ना कुछ लॉन्च जो है वो वहां पे किया जा रहा है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये हो गया त्रिपुरा। अगला, हर घर गंगा जल कैंपेन, हर घर गंगा जल कैंपेन, ये कैंपेन लॉन्च की गई कहाँ पर? बिहार के अंदर। कहाँ पर आएगी? बिहार के अंदर इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे जो गंगा रिवर का वाटर है वो हर घर तक पहुंचाया जाएगा, और वो भी स्वच्छ रूप में, यानी कि पानी जो पहुंचेगा वो पीने योग्य होगा। अगला, G20 के फाइनेंस मिनिस्टर मैंने अभी आपको बता ही दिया, बैंगलुरु, ठीक है। अगले साल जो इसकी प्रेसिडेंटशिप होगी वो इंडिया के पास में आ जाएगी, बट यहाँ से एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, G20 के मेंबर्स बहुत रेयर केस में पूछता है, क्योंकि 19 देशों के नाम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट G4 और G7 के जो कंट्रीज हैं वो आपसे यूजली पूछी जाती हैं। एमपॉक्स डिजीज जो है इसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके रखा गया है, क्या? एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। अब ये जो है इसका नाम चेंज हुआ है, मंकी पॉक्स पहले था, अब क्या एमपॉक्स है? ये नाम कौन बदलेगा? ऑब्वियसली बात है, WHO बदलेगा। कौन बदलेगा? WHO बदलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मेरियम वेबस्टर गैस लाइटनिंग वर्ड ऑफ द ईयर, सवाल, ये डिक्शनरी कहाँ की है? डिक्शनरी कहाँ की है? ये डिक्शनरी कहाँ की है बताइए? कहाँ की डिक्शनरी होगी है? ये हो जाएगी कहाँ की? यूएसए की। कहाँ की होगी? यूएसए की, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, और इसका शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? गैस लाइटिंग इसका यहाँ पर मतलब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। कहा जा रहा है सहरसा बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये जो है ये सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बना है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पे स्टार्ट किया गया है किस चीज को? ई ऑफिस को। क्या लॉन्च किया गया है? ई ऑफिस को लॉन्च किया गया है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? बिहार के अंदर। कहाँ होगा? बिहार के अंदर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। यूपी का फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है? किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर करिए। किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो जब भी किसी फीमेल की बात आएगी ना, तो हमेशा वहां से जो सवाल है वो बन जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह जी का अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे अभी हाल ही में किया गया, ठीक है। चलिए, हु इज सेड बिकम द
फर्स्ट फीमेल रेफरी एट द मेंस वर्ल्ड कप गेम। अब ये वर्ल्ड कप गेम जो बात हो रही है ये कौन सा वाला है, वो कतर वाला है यानी कि फीफा वाला है। अब उसके अंदर फीमेल रेफरी की अगर हम बात करें तो वो कौन हो जाएंगी, ये यहाँ पर आपकी बनेगी कौन, स्टेफनी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रांस से ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो ये अवार्ड किसके पास में जाएगा, एक ही है यहाँ पे, अवनी लखेरा। कौन है, अवनी लखेरा, जिनको ओलंपिक्स के अंदर या पैरा ओलंपिक्स के अंदर दो मेडल जिनको मिले थे शूटिंग में, तो ये अवार्ड इनको ही गया है। अगला, भारत के अंदर सबसे पहला राज्य आपको ऐसा कौन सा मिल रहा है जहाँ पे पहला मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया गया है, भारत के अंदर पहला नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो ये है मेघालय। मेघालय ने अभी हाल ही में इसको अप्रूवल दिया है। नागा हेरिटेज विलेज जिसका नाम है किशिमा, यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, क्योंकि 1 तारीख को नागालैंड का हैप्पी वाला बर्थडे था। तो ये कौन सा वाला एडिशन यहाँ पे हुआ है, तो ये 23rd एडिशन है जिसको सेलिब्रेट किया गया है। अगला, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर चुना गया, इन्हीं को गौरव सम्मान भी दिया गया। और ये याद रखिएगा कि ये अवार्ड उत्तराखंड ने कौन सी तारीख को अनाउंस किए थे, तो 9 नवंबर को ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, जिसमें अजीत डोवाल जी का भी नाम आएगा और बिपिन रावत जी का नाम भी आएगा। अगला, थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2022, तो थीम क्या थी यहाँ पे, तो थीम हमेशा ऐसी होती है जैसे छोटी वाली होती ना वो हमेशा आ जाती है, तो इकोलाइज, क्या थी थीम इसकी, इकोलाइज। 1 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। अगला, मिस अर्थ, अरे मैम ये सब छोड़ो, मिस अर्थ वर्थ मिसेज वर्ल्ड जो है वो अपने काम किए, क्यों, क्योंकि वो इंडिया की हैं और इंडिया में भी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की हैं, तो उनका नाम तो बहुत मैंडेटरी है। इनकी बात करोगे तो ये कौन है, मीना सुई चुई, कौन है, सुई चुई, कहाँ से, साउथ कोरिया से। अगला, BSF का राइजिंग डे जो है वो अभी हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया, कहा जा रहा है कि ये बताइए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, नेम द प्लेस, यानी कि जो परेड वगैरह है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये किया गया है किस जगह पे, भैया ऑप्शन बताओ, MP नहीं है, UP भी नहीं है, पंजाब या हरियाणा, दोनों में से कोई एक है, कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, अंबाला का नाम सबने सुना है, अंबाला का नाम सबने सुना है ना, अभी राफेल जो है, राफेल भी आए हैं यहाँ पे अंबाला के अंदर, हरियाणा वाले लोकेशन में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हरियाणा। अगला, इंडियन आर्मी के द्वारा सुदर्शन चक्र कॉर्प एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, कहा जा रहा है कि इसका आयोजन भारत में कौन से राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये भी हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, बाहर के किसी देश के साथ में इसका आयोजन नहीं होता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम ये कहाँ आई, इसको अभी हाल ही में UP में लॉन्च किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, यहाँ से आपकी वन लाइनर न्यूज आएगी। आई होप आपने सबके आंसर प्रॉपर किए होंगे, जो बच्चे बाद में आ रहे होंगे वो मेरी क्रिसमस भी बोल रहे होंगे, आप सबको भी आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बस रिविजन कर लेना आज, मैं क्लास को एंड करने से पहले फिर बता दूं, मुझे घर जाना पड़ा था, थोड़ा सा जरूरी था जाना, इस वजह से मम्मी की तबीयत वैसे भी आपको पता है कि आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, दैट्स अ रीजन, ठीक है। चले अब यहाँ पे देखिए, पद्मश्री अवार्डी यानी कि PT उषा जी, इनको अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा हरिमोआ एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में इसका आयोजन हुआ। फिर है टेबल टेनिस फेडरेशन के अंदर मेघना अहलावत का अपॉइंटमेंट किया गया। नेक्स्ट, जो नाबार्ड है उसमें नए चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट किया गया जिनका नाम है KV शाह जी। ये कुछ आपके वन लाइनर्स थे जो आपको बताए मैंने। इसके अलावा 77 नमक के ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल जी यहाँ पे बने हैं। आखिरी आई थिंक यही है जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसमें अभी हाल ही में मीराबाई चानू ने क्या किया है, मेडल जीता है, क्या किया है, मेडल जीता है, और इसके अंदर कौन सा मेडल आया है, सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया, ठीक है। सो आई होप कि आपने हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखा होगा और समझा होगा।
और ये तो ऑफर खैर आपके लिए खत्म हो चुका है, ये नया बैच आपके लिए जीएस का स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में याद रखिएगा, एक में सिर्फ जीएस और एक में सारे सब्जेक्ट्स हैं। और इसके लिए जो कोड आपको यूज करना है दैट विल बी प्रतिदिन, जिसपे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं 967 रुपीज में पूरे 2 सालों के लिए, ठीक, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर से आप सबको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल मेरी क्रिसमस। अच्छी तरीके से आज अपना रिविजन करिएगा, हर एक पॉइंट जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस अगर छूट गए हो तो उसे टेलीग्राम पे जाके चेक कर लो, प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, वहां पे जाके, सो दैट आपका रिविजन हो जाए और आप एक लेवल पर चलो, ठीक है। चलिए टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।